मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय कोतवाली अंतर्गत खलेसर नाका अर्जुन नगर निवासी मनीष सचदेव अपने घर में सुसाइड नोट छोड़कर कहीं लापता हो गया। मनीष सचदेव अपने सुसाइड नोट में आरोपी विकास कुमार सचदेव को दोषी मानकर पैसे के लेनदेन में प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं लापता मनीष सचदेव का पिता सुरेश सचदेव अपने बयान में मीडिया को बताया कि उनके बेटे मनीष ने खलेसर मोहल्ला निवासी होंडा बाइक एजेंसी के संचालक विकास कुमार सचदेव को पिछले दिनों 6 लाख रुपए मार्केट से लेकर उधार में दिए थे, लेकिन जब मनीष ने अपने पैसे मांगे तब विकास कुमार सचदेव ने गाली गलौज करते हुए धमकी देकर उधार में लिए हुए पैसे देने से साफ मना कर दिया। उसी बात से परेशान होकर मनीष सचदेव विकास कुमार सचदेव के नाम सुसाइड नोट लिख कर घर से लापता हो गया है। सुरेश सचदेव ने बताया कि अगर उसके बेटे की जान को कुछ भी होता है तो उसके संपूर्ण जवाबदारी विकास कुमार सचदेव की होगी। लापता मामले में शिकायतकर्ता ने कोतवाली से लेकर पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की है। वहीं कोतवाली पुलिस जांच अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच आरंभ कर दी है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। इस संबंध में उनकी पत्नी और उनके ससुर जी कल रिपोर्ट को आए थे। उनकी पत्नी भक्ति सचदेव आई थी कि उनका पति कल बिना बताए 3 बजे करीब घर से चला गया, जो उस पर वुमेन शांत चुंबन कायम किया गया है। मुताबिक अध्यक्ष TI साहब में जाँच कर रहा हूँ, उसकी कथन वगैरह लिया हूँ। उसमें केवल उनके दोस्त हैं, एक विकास जो हीरो होंडा का काम देखते हैं, उनसे पैसे का लेन देन की बात आई है कि उधारी का पैसा कुछ नहीं दे रहा है, इस टेंशन में कहीं वो चला गया है। यानी उसके पत्र जो लीक किया है कि मैं उसी कारण से जा रहा हूँ। उसके पास गया था तो मेरे बेटे ने जानकारी दी थी कि 1.5 साल से मैं पीड़ित हूँ। उसको मार्केट से पैसे दिलवाए थे 6 लाख रुपये। तो बाप पापा उनसे बात करो। फिर मैं जब उनके पास गया तो बोला मैं भी चलूँगा, बेटा बोला। और फिर बोला कि ये बेटा मेरा बात करने लगा उनसे, मैं भी बोला। तो बोला कि मैं पिताजी से बात कर रहा हूँ और कर लिया हूँ, फिर अब भला लोन ले रहा हूँ, ये है वो है करके। और फिर मेरे बेटे ने बोला तो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तेरे को जो करना है कर ले। तो आवेश में आ गया वहाँ और थोड़ा सा गाली गलौज किया। और फिर वहाँ से हम लोग चले गए दोनों। और फिर मेरा बेटा आज 25 तारीख को 3 बजे से घर में बगैर बताए किसी को चला गया है और लिख के रख गया है जो मैंने कंप्लेन की, थाने में दिया हूँ। और मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसका समस्त जवाबदार विकास सचदेव। मेरे पति का नाम मनीष कुमार सचदेव है। कुछ समय पहले उसने मार्केट से पैसे लेके विकास सचदेव को दिए थे, लेकिन अब वो जब मेरे पति उनसे मांगने जाते थे तो गाली गलौज करते थे और अभद्र उनसे व्यवहार करते थे, जिसके कारण मेरे पति तनावग्रस्त होकर कहीं चले गए और सुसाइड नोट लिख गए। अगर मेरे पति को कुछ होता है तो उसकी संपूर्ण